हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आप लोग का गणितीय संक्रियाएं, जिसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, पर आपको पता है कि ये जो टॉपिक है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि इस सेक्शन से कम एक नंबर का प्रश्न तो आपके एग्जाम में आता ही है, और अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथ स्ट्रांग है तो 99% चांस है कि आप ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, बस इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई होता है, उस मेथड के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर इस प्रश्नावली से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं जितने टाइप के क्वेश्चंस की कंडीशन आपके एग्जाम में बन सकती है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूल को हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो आपका रूल फॉलो होता है उसका नाम है बॉडमॉस मेथड। क्या नाम है? बॉडमॉस नियम। ठीक है, देखिए ये जो बॉडमॉस नियम है ये किसी भी प्रकार के समीकरण को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कोई आपका गणितीय समीकरण दिया गया है तो उस समीकरण को सॉल्व करने के लिए इस बॉडमॉस नियम का फॉलो करते हैं। अब इस बॉडमॉस नियम का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। तो देखिए, जो आपका बॉडमॉस है उस नियम का मतलब है, क्या मतलब है बच्चों? तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि बॉडमॉस में जो बी का मतलब होता है उसको कहते हैं ब्रैकेट। क्या कहते हैं? ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं कोष्टक। कोष्टक, ठीक है। जो ओ है उसको कहते हैं ऑफ, हिंदी में होता है का का। जो डी है उसका मतलब है डिवीजन। क्या मतलब बच्चों? डिवीजन, जिसको कहते हैं भाग। ठीक है, उसके बाद जो एम है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम है बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, जिसका नाम है क्या? गुण। ठीक है, और जो ए है उसका मतलब है बच्चों एडिशन। क्या मतलब है बच्चों? एडिशन, जिसको कहते हैं जोड़। और सबसे लास्ट में जिस संक्रिया को फॉलो करते हैं उसका नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में घटाना। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, को किस क्रम में आपको सॉल्व करना है, किसको पहले वरीयता देना है, किसको बाद में करना है किसी समीकरण के अंदर, तो वो आपका सीक्वेंस होगा ये। सबसे पहले अगर कोई समीकरण आता है और उसमें अगर कहीं ब्रैकेट का चिन्ह है, ठीक है, तो उस ब्रैकेट के चिन्ह को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, देन आफ्टर अगर उसमें का कहीं पर जिक्र है, उस समीकरण में कहीं पर ऑफ आ रहा है तो आप उस ऑफ की संक्रिया को फॉलो करोगे। देन आफ्टर डिवीजन पर आओगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का नंबर आएगा जिसको आप गुणा कहते हो, उसके आप बाद आपका क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा जिसको आप जोड़ कहते हो, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा किसका, सब्ट्रैक्शन का, जिसको कहते हैं घटाना। ठीक है, तो आपका जो बॉडमॉस रूल है उसमें बी का मतलब हो गया ब्रेकेट, ओ का मतलब हो गया ऑफ, बी का मतलब हो गया डिविजन, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब हो गया एडिशन, और एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इस रूल को प्रश्नों पर कैसे अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते समय हम किन तरीकों को फॉलो करके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आते हैं और हम इस चीज को प्रश्नों पर अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन सा तरीका है जिसकी हेल्प से आप इन चीजों को जल्दी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, और प्रश्न में दिया है कि 25 डिवाइड बाय 14 माइनस 5 प्लस 10 इंटू 14 को आपको सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले बच्चा ना एक काम भी करना है आपको, क्या करना है,
कि यदि किसी कोड भाषा में डिवाइड बाई को प्लस से प्रदर्शित कर दे, मतलब जहां डिवाइड बाई है वहां पर क्या आ जाए, प्लस आ जाए, ठीक है। फिर कह रहा है कि किसी कोड भाषा में डिवाइड बाई प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस इनटू को प्रदर्शित करता है, माइनस का मतलब क्या बच्चा, इनटू है। फिर क्या कह रहा है, प्लस डिवाइड बाई को प्रदर्शित करता है, प्लस किसको प्रदर्शित कर रहा है, डिवाइड बाई को, और इनटू का मतलब क्या है बच्चा, इनटू का मतलब है माइनस, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है कि जब भी इस टाइप का कोई निर्देश आपको इस समीकरण से पहले लिखा हो तो उस निर्देश को आप अपने समीकरण पर अप्लाई कर दीजिए। अब जब आपने निर्देश को समीकरण पर अप्लाई किया तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन के आ गई, और वो इक्वेशन हो गई 24 प्लस 14 इंटू 24 प्लस 14, उसके बाद आपका है इंटू 5 डिवाइड बाई 10 और माइनस 14, ठीक है। ये नई समीकरण आपके सामने बनकर आ गई, ठीक है। अब इस समीकरण पर जिस मेथड की बात हम कर रहे थे जिसका नाम है बॉडमॉस, आपको उस बॉडमॉस मेथड को इस समीकरण पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब अप्लाई करने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, डिवाइड बाई, भागे के चिन्ह को अप्लाई करना है। तो देखो 24 हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, इंटू 5 डिवाइड बाई क्या था, 10 था बच्चा, माइनस क्या हो जाएगा, 14। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये 5 है और ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, और फिर इस 2 से इस 14 को कर सकते हो, कितनी बार आ जाएगा, 7 बार आ जाएगा, ठीक है। तो आपका अब नया मिल गया, क्या हो जाएगा, 24 हो गया प्लस कितना हो गया, 7 हो गया, और माइनस कितना हो गया, 14 हो गया, यही तो मिलेगा आपका। अब देखिए, अब इसके बाद नंबर किसका आता है, आपने डिवाइड को सॉल्व कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर दिया, अब यहाँ पर प्लस है और माइनस है। तो भाई बॉडमॉस में सबसे पहले नंबर किसका आता है, एडिशन का आता है, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन का आता है, ठीक है। तो एडिशन का तो जोड़ लो, तो 7 और 24 और 7 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और इसमें माइनस कर देना है किसको, 14 को माइनस कर देना है, ठीक है। सॉरी 7 4 11 31 होगा ना बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 7 4 11 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 31 और यहाँ पर क्या है, 14। अब देखो 31 में से माइनस करना है 14, तो 11 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी 17 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब आप इन टाइप के प्रश्नों को और कैलकुलेशन को ढेर सारा सॉल्व कर लोगे ना, कम से कम 50-100 क्वेश्चंस का सेट सॉल्व कर लोगे, तो ये जो कैलकुलेशन के दौरान छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो गलतियां भी आपकी बिल्कुल ना के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा, जब आप क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को ढेर सारा क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है बच्चा। तो चीजें क्लियर है ना, चले अगले प्रश्न पर, फटाफट बताइए, चला जाए अगला प्रश्न पर, चलिए। अब देखिए अगला प्रश्न आ गया कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है क्या, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है, इनटू है, माइनस का मतलब प्लस है, इनटू का मतलब डिवाइड बाई है, और डिवाइड बाई का मतलब माइनस है। तो आपको एक इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन में क्या लिखा है कि 27 इनटू 3 डिवाइड बाई 30 प्लस 5 माइनस 12 की माइनस 1 to 5 की वैल्यू क्या होगी। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या करना है आपको, सबसे पहले ऊपर से देख लेना है कि किसका मतलब क्या है। तो देखिए इनटू का मतलब क्या है, तो इनटू का मतलब क्या है बच्चा, डिवाइड बाई है, फिर डिवाइड बाई का क्या मतलब है, डिवाइड बाई का मतलब क्या है माइनस, फिर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है इनटू, और फिर माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब क्या है बच्चा, माइनस का मतलब है प्लस, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 30 इनटू 5 और प्लस 1 to 5, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चा, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि किसका नंबर आएगा, डिवाइड बाई का आएगा, ठीक है। अब 27 को जब 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर माइनस
कितना हो गया 30 हो गया इंटू क्या हो गया 5 हो गया और प्लस कितना हो गया 125 हो गया। अब देखिए एक चीज देखिएगा कि अगर आपका डिवाइड बाय और इंटू के बीच में कोई चिन्ह आ रहा हो तो आप चाहोगे ना तो इस डिवाइड बाय को और इस इंटू को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी समीकरण में डिवाइड बाई और इंटू के बीच में कोई चिन्ह लगा हो, कोई भी चिन्ह लगा हो, प्लस का लगा हो माइनस का लगा हो, तो आप इन दोनों इक्वेशन को और इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करके लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पर डायरेक्टली 3 का 27 में 3 का भाग दे दिया 9 लिख दिया और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर लिख दूं 150 तो आपका तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है ना, तो मैंने क्या तरीका बताया कि अगर डिवाइड बाय और मल्टीप्लिकेशन के बीच में कोई और साइन आ रहा हो तो आप मल्टीप्लिकेशन को अलग सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड बाय को अलग सॉल्व कर सकते हो और एक साथ वैल्यूज को लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको अलग सॉल्व किया, यहाँ वैल्यू आई 9, इसको अलग सॉल्व किया यहाँ वैल्यू आ गई 150। ठीक है, आप देखो अब क्या है, प्लस करना है तो भाई 9 है, इसके पहले क्या लगा रहा था प्लस 9, तो प्लस प्लस को जोड़ दो 125 और 9 कितना आ जाएगा, तो 125 और 9 करोगे बच्चा तो आपका आ जाएगा 134। अब 134 में माइनस करना है 150 तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपका इंटू और डिवीजन एक साथ आए और बीच में कोई साइन हो तो आप इनको और इनको एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन क्या होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला इक्वेशन दिया है 18 × 16 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 माइनस क्या 8, यही तो इक्वेशन है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि प्लस का मतलब क्या हो, देखो बच्चा क्या लिखा हुआ है, यदि प्लस का मतलब हो इंटू तो प्लस का मतलब क्या है इंटू है, यदि माइनस का मतलब क्या है प्लस है, यदि इंटू का मतलब क्या है डिवाइड बाई है, और यदि डिवाइड बाई का मतलब क्या है माइनस है। अब देखो अब अगर ये नई वैल्यूज को आप इस समीकरण में रख दोगे तो आपका समीकरण क्या हो गया 18 हो गया डिवाइड बाय 16 हो गया माइनस क्या हो गया 4 हो गया इनटू क्या हो गया 2 हो गया प्लस क्या हो गया 8 हो गया, यही तो इक्वेशन बन गया। अब देखो मैंने कहा कि अगर किसी समीकरण में डिवाइड बाय और इनटू दिया गया हो और बीच में कोई साइन हो तो आप इसको और इसको एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनटू का मतलब डिवाइड बाय ही है ना, इनटू का मतलब डिवाइड बाय, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 9 = 18 और 2 × 8 = 16, यही तो होगा। माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 × 9 = 8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पर आएगा 9.8, भाई ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 = 8 आ जाएगा, 1 आएगा 0 उतारोगे, फिर 8 = 8 आएगा 2 आएगा 0 उतारोगे, ठीक है, फिर 8 × 16 हो जाएगा और 8 × 5 क्या हो जाएगा 40, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1.125। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, आपको बस किस मेथड का फॉलो करना है, आपको बस एक मेथड दिमाग में रखना है जिसका नाम है क्या बॉडमस, जहां बी क्या है ब्रैकेट, ओ है ऑफ, डी है डिवीजन, एम है मल्टीप्लिकेशन, ए है एडिशन और एस क्या है सब्ट्रैक्शन। ये हो गया कोष्टक, ये हो गया का, ये हो गया क्या डिवाइड बाय, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया क्या एडिशन और ये हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? चल रटवा दूंगा मैं, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको रट जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर आइए फटाफट। बस ये कि कैलकुलेशन करते समय दिमाग को थोड़ा शांत रखना है और क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखिए 72 और क्या दिया गया है इंटू 9 माइनस क्या 14 और प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने से पहले कुछ परिवर्तन लाना है,
इनटू की जगह पे किसका यूज करना है, इनटू की जगह पे डिवाइड बाय का यूज करना है, माइनस की जगह पे किसका यूज करना है, प्लस का यूज करना है, और प्लस की जगह पे किसका यूज करना है, इनटू का यूज करना है। ठीक है, अब नया इक्वेशन क्या बन गया, 72 डिवाइड बाय 9 प्लस 14 और इनटू 2, यही तो है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले अगर डिवाइड बाय और इनटू के बीच में कोई साइन आ रहा हो तो आप इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको जब आप कटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और इसको जब कटाएंगे तो 14 दुना के कितना हो जाएगा, 28, और 28 और 8 कितना होता है, 36 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, हमको लग रहा है ये पुराना ऑप्शन ही है जिस रख दिया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना, आपका कितना हो जाएगा, 72 हो गया, तो 9 का आप भाग दोगे तो 8 आ जाएगा, 14 दुना के 28 हो जाएगा, और 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है 6 डिवाइड बाय 36 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2। अब देखो क्या है, कह रहा है कि यदि डिवाइड बाय को क्या लिखा जाए, प्लस लिखा जाए, यदि माइनस को क्या लिखा जाए, डिवाइड बाय लिखा जाए, यदि इंटू को क्या लिखा जाए, माइनस लिखा जाए, और यदि प्लस को क्या लिखा जाए, इंटू लिखा जाए। ठीक है, तो अभी नए समीकरण नए चिन्हों के अनुसार लिख लेते हैं समीकरण को। तो 6 है प्लस क्या बच्चा 36 है, फिर क्या है डिवाइड बाय है, फिर क्या है माइनस है, और फिर क्या है इनटू, यही तो है ना बच्चा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले किसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड बाय और इनटू को एक साथ कर लेते हैं 6, तो ये कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 6, तो ये 6 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 6। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो सबसे पहले ये काम जब करिएगा ना, जब आप चिन्हों का जो मतलब दिया गया है उसको जब आप क्वेश्चन से यहाँ पर लिखिएगा तो उस पर थोड़ी सी सावधानी बरतना है। ठीक है, देखिए मैंने कैसे लिखा, अब आपका कह रहा है यहाँ पर सबसे पहले आया डिवाइड बाय, तो देखो डिवाइड बाय का मतलब क्या है, या डिवाइड बाय का अर्थ क्या है, डिवाइड बाय का अर्थ क्या है, प्लस है, तो हमने डिवाइड बाय की जगह पे क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। अभी पहले हम देख लेते हैं किसका क्या मतलब है, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लिख लेंगे समीकरण को। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड बाय, तो माइनस का मतलब हो गया डिवाइड बाय, फिर इनटू, इनटू का मतलब क्या है माइनस, और फिर प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है इनटू। अब ये समीकरण नया मिल गया, अब इसको हम बॉडमॉस का रूल लगाकर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और हमने आपको जल्दी सॉल्व करने का एक तरीका बताया कि अगर डिवाइड बाय और इनटू के बीच में कोई भी साइन हो, कोई साइन इन द सेंस दो ही साइन बचा, एक माइनस और एक प्लस, अगर बीच में ऐसा आता है तो आप इन दोनों को एक साथ परफॉर्म करके और अपने इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आ रही बात समझ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 9 + 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 4 इंटू 9, यही तो है ना। अब देखिए 9 प्लस की वैल्यू क्या दी गई है, बताओ बच्चा प्लस की वैल्यू क्या है, इंटू है। ठीक है, फिर डिवाइड बाई की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई की वैल्यू क्या है, प्लस है। ठीक है, फिर माइनस की वैल्यू क्या दी गई है, तो माइनस की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई है, और फिर इंटू की वैल्यू क्या दी गई है, तो इंटू की वैल्यू क्या है, माइनस, यही तो है ना। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि अगर इनटू और डिवाइड बाई के बीच में कोई साइन लगा हो तो आप इसको एक साथ परफॉर्म कर सकते हो, तो 9 है क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और इसको जब कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस 9। ठीक है, अब देखो इसके बाद नंबर आएगा एडिशन का, तो जोड़ लो, ये 74 हो जाएगा, और 74 माइनस 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 65 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्लियर है ना बच्चा। चलो चलिए अगले प्रश्न पर, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को, आपको अप्लाई करना है किसका, आपको अप्लाई करना है बॉडमॉस रूल का, और बॉडमॉस रूल कैसे अप्लाई करना है ये मैंने तरीका आपको बता दिया। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर इनटू और डिवाइड बाई अलग अलग हो, बीच में कोई साइन हो, तो आप इन दोनों चीजों को एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। 3 डिवाइड बाई 12 माइनस 40
प्लस 5 इंटू, ठीक है। अब देखिए निर्देश पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बस क्वेश्चन समीकरण दिखाओ, डायरेक्ट उठाओ, बॉड मॉस अप्लाई कर दो। निर्देश कुछ कह रहा है, उस निर्देश के अनुसार पहले आप इस समीकरण को क्या करोगे, चेंज करोगे, देन आफ्टर तब अपने आप वर्ड मॉस के रूल का अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो पहले लिख लेते हैं डिवाइड बाई का क्या मतलब बच्चा, तो डिवाइड बाई को प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है, डिवाइड बाई का मतलब क्या है, यदि डिवाइड बाई माइनस को प्रदर्शित करता है तो यहाँ माइनस हो गया। फिर माइनस का मतलब क्या है, तो कह रहा है माइनस कहाँ गया, माइनस कहाँ गया, यदि किसी निश्चित हो माइनस को क्या, प्लस, माइनस को प्लस हो गया। फिर प्लस को क्या कह रहा है, प्लस को इंटू, ठीक है, और फिर इंटू को डिवाइड बाय, ये आपका समीकरण है, ठीक है। अब नए चिन्हों के अनुसार समीकरण को लिख लेते हैं, ठीक है। तो नए चिन्हों के आप के अनुसार समीकरण बन गया कुछ इस प्रकार का। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बॉड मॉस रूल अप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, और 200 और फिर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो इसको जब आप कटा दोगे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये 1/4 + 10, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 41/4, ठीक है, 41/4 इज द राइट आंसर। आप देखिए कहीं ना कहीं या तो चिन्ह लिखने में गलती हुई है और या तो साइंटिस्ट ने ऑप्शन मिस्टेक किया। आप चेक करते हैं क्या क्या गलती हुई है। तो देखो 3 / 12 - 40 + 5 × 20, यही तो है ना। अब देखिए क्या करा कि किसी निश्चित कोड भाषा में सबसे पहले क्या है, डिवाइड बाई, तो देखो डिवाइड बाई माइनस को प्रदर्शित करता है, डिवाइड बाई किसको प्रदर्शित करता है, माइनस को प्रदर्शित करता है। फिर आगे क्या करा है, फिर निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, माइनस प्लस को प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद क्या रहा है, प्लस इंटू को प्रदर्शित करता है, प्लस इंटू को प्रदर्शित कर दिया। उसके बाद इंटू डिवाइड बाई को प्रदर्शित करता है, तो इंटू किसको प्रदर्शित कर दिया, डिवाइड बाई को प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। अब ये 3, ओ माई गॉड, यहाँ पे माइनस होगा ना, देखिए यही हमने गलती कर दिया, यहाँ पर हमने इक्वेशन को ही लिखते समय मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो आपको जब यहाँ से इक्वेशन लिखना है तो ये गलती करना नहीं है, ठीक है, तभी तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था। चलिए देखिए यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई थी, इसको हम लोग सही कर लेते फटाफट। देखिए 3 यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये इंटू हो गया, और ये आपका हो गया डिवाइड बाई, ठीक है। चलिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो इंटू और डिवाइड बाई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो या इसको ऐसे रख दो और इसको बटे में लेते हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 10 बार, ठीक है। अब प्लस प्लस जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 13, और ये -12, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 है ना आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने इस डिवाइड बाई को माइनस कह रहा है और हमने यहाँ लिखा भी था, लेकिन फिर हमने समीकरण उतारते समय यहाँ माइनस ही लिख दिया था। इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग एग्जाम में इस तरीके की गलती ना करके आओ, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन, इतना हलवा क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में गलत करके आ जाओगे मेरी तरह, जैसा कि मुझसे मिस्टेक से हो गया, तो फिर ये फ्री के नंबर आपके एग्जाम में आपसे कट जाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, इस टाइप की कोई गलती एग्जाम में होनी नहीं चाहिए, नहीं उसका बहुत ही भारी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। देखो अगला क्या कह रहा है, 24 / 14 - 5 + 10 × 14, यही तो दिया गया है। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि डिवाइड बाई को क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, यदि माइनस को क्या लिखते हैं, इंटू लिखते हैं, यदि प्लस को क्या करते हैं, यदि प्लस को डिवाइड बाई लिखते हैं, और यदि इंटू को क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। अब देखो नया समीकरण बन जाएगा 24 + 14 × 5 / 10 - 14, यही तो बन गया, ठीक है। अब देखो परफॉर्म कैसे करना है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले डिवाइड बाई को, ठीक है, तो डिवाइड बाई को कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, तो 14 / 1/2 और -14। अब जब आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये है 24 + 7 - 14, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 24 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 4 11 हो गया, ये हो जाएगा 31,
और माइनस 14, और इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 17 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अंदर प्रश्न चलते हैं। चलिए देखिए अगला बहुत ही इजी सा है, 12 × 6/4, इसी को सॉल्व करना है। अब इंटू की जगह पे क्या लिख रहा है, तो इंटू की जगह पे क्या लिख रहा है, डिवाइड बाय लिख रहा है, और डिवाइड बाय की जगह पे क्या लिख रहा है, प्लस लिख रहा है, ये तो है। चलिए बहुत छोटा सा इक्वेशन दिया है, ये आपका 2 हो जाएगा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कभी कभी बहुत इजी प्रश्न भी दे देता, बिल्कुल हलवा। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अगला है 80 × 16 × 4 + 2 − 8। ठीक है, अब इंटू को क्या कह रहा है, तो इंटू को कह रहा है डिवाइड बाय। ठीक है, फिर डिवाइड बाय को क्या कह रहा है, डिवाइड बाय को माइनस कह रहा है ये, फिर प्लस को क्या कह रहा है, इंटू, और फिर माइनस को क्या कह रहा है, प्लस कह रहा है। ठीक है, यही तो है ना। चलिए आप देखिए आपका नया समीकरण बन गया, 80 / 16 − 4 × 2 + 8, यही तो है ना। ठीक है, अब देखो ये आप एक साथ परफॉर्म कर सकते हो, तो 80 को 16 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, प्लस 8। ठीक है, अब ये प्लस 8 है, ये माइनस 8, अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाते हैं, बचेगा 5। 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चा ना, क्लियर है ना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला इक्वेशन है 14 × 12 − 16 / 18। ठीक है, अब कह रहा है कि इंटू को क्या कहा जाए, इंटू को जोड़ कहा जाए, अब लिख दिया हिंदी में। ठीक है, इंटू को जोड़ कहा जाए, फिर माइनस क्या कह रहा है, फिर माइनस किसको, फिर माइनस का अर्थ है गुणा। ठीक है, और डिवाइड बाय का अर्थ है घटाओ, घटाना या घटाओ। ठीक है, तो नया इक्वेशन बन गया 14 + 12 × 16 / 18। ठीक है, तो अब अगर इसे कटाओगे, ठीक है, तो गुणा करना है या तो कटाना है ही नहीं, तो इसको कर लो, ये कितना हो जाएगा, 12 × 72, 7 हो जाएगा, 12 × 1 = 12, और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, −18। ठीक है, तो माइनस माइनस जोड़ दो तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 9 × 10 = 0, 1 आ जाएगा, 1 × 2। ठीक है, और −18 करोगे, अब इसमें से −18 करोगे तो 16 में से 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 9 में से 1 जाएगा, 8 हो जाएगा, और करिए तो आपका आ जाएगा 188, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए बच्चा। ठीक है, नहीं तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, और ये फ्री का नंबर आप एग्जाम में गलत करके चले आओगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आपका क्या कह रहा है, −8 × 6 − 4 / 6 + 3। अब देखो माइनस की वैल्यू क्या दी गई, फटाफट लिख लेते हैं इनके ऊपर। तो यदि माइनस को क्या कहा जाए, इंटू कहा जाए, यदि इंटू को क्या कहा जाए बच्चा, तो यदि इंटू का अर्थ है प्लस, ठीक है, फिर माइनस को क्या कहा जाए, यदि माइनस का अर्थ है इंटू, यदि डिवाइड बाई को क्या कहा जाए, डिवाइड बाई का अर्थ है माइनस, और प्लस को क्या कहा जाए, तो प्लस का अर्थ है डिवाइड बाई। अब इसको जब रखोगे बच्चा तो आपका आंसर आ जाएगा 12 × 8 + 6 × 4 − 6 / 3। ठीक है, अब देखो ये और ये आप साथ में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और ये भी दो बार कहाँ से आ गया, अच्छा दो बार आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ पर कर दें तो 12 × 6 = 72, 12 × 8 = 96 हो जाएगा, और ये 6 × 24 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो पहले प्लस को कर लेते हैं, तो 6 × 4 = 10 हो जाएगा, 9 × 2 = 11 और 1 = 12 हो जाएगा, −2 करना है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 118। ठीक है, तो 118 + 118 इज द राइट आंसर। ठीक है, हम अभी भी थोड़े से स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आई। आप एग्जाम में चाहिएगा तो कुछ चीजों को तुरंत कर सकते हैं, या जो आपको इजी लग रहा है आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप देखिए यहाँ पर अल्फाबेट दे दिया है, और अल्फाबेट का मतलब होगा कोई ना कोई साइन। ठीक है, तो इसको देखिए करते हैं हम लोग सॉल्व। ये नहीं कि अब ये क्या आ गया, घबराने लगो। ठीक है, कि ये क्या दे दिया एग्जामिनर ने,
20। अब देखिए डी का मतलब क्या है, अगर डी का मतलब क्या है प्लस है, ए का मतलब क्या है बच्चा इंटू है, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है माइनस, और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है इंटू, यही है ना। चलिए अब इसको रखते हैं, 20 + 15 × 6 − 13 × 4 यही है। चलो सॉल्व करते हैं, आप देखो 20 × 15 = 90 हो जाएगा, और 13 × 4 = 52 13 × 4 = 52 ठीक है। अब देखो प्लस कर लो ये कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, और ये 52 तो 10 में से 2 जाएगा, ये 8 हो जाएगा ठीक है, और यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 58। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना बच्चा, ठीक है। कैलकुलेशन के दौरान गलती नहीं करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो उसके लिए टेबल ओवल फटाफट याद कर लो, टेबल में गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका बदल गया ठीक है। जितने टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है उन सब टाइप के क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि सॉल्व किया जाए। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि बी को जोड़ के लिए, जी को घटाओ के लिए, ई को गुणा के लिए, सी को, अब देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, बी को किसके लिए, जोड़ के लिए ठीक है, जी को किसके लिए, घटाओ के लिए, ई को किसके लिए, गुणा के लिए, सी को किसके लिए, भाग के लिए, डी को किसके लिए, बराबर के लिए, ए को किसके लिए, अधिक के लिए, एफ को किसके लिए, कम के लिए ठीक है। क्या जाए तो एक अभिव्यक्ति अक्षर प्रतीक के अनुसार सही है, उस सही अभिव्यक्ति को पहचानना है ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इन चीजों को, बी का मतलब प्लस हो गया, इन चीजों को अगर इसमें पुट किया जाए तो कह रहा है कि एक इक्वेशन बिल्कुल सही है, और उस इक्वेशन को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ठीक है। तो चलो अब फटाफट हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज जरूर देख लेना बच्चा कि सी डिवाइड बाई ए, सी का मतलब क्या है, डिवाइड बाई ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, पहला क्या दिया है 15, सी का मतलब क्या है, डिवाइड बाई है, डिवाइड बाई 3, बी की मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है प्लस 2, उसके बाद ए का मतलब क्या है इज ग्रेटर देन 6, और ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है इंटू 2 ठीक है। अब देखिए इक्वेशन, इक्वेशन से आप फटाफट निकाल सकते हो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 × 2 = 10 हो जाएगा। क्या 10 बड़ा है 12 से, तो ये आपका गलत होगा। दूसरे पर आते हैं, इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा क्या है 15, बी का मतलब क्या है प्लस 2, जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है माइनस क्या है 5, ए का मतलब क्या है बच्चा ग्रेटर देन है 4, जी का मतलब क्या है बच्चा माइनस है, और ये क्या है 4। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको 15 × 2 = 17, 17 − 5 क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बड़ा है, यही आपका सही होगा। देखो 15 × 2 = 17, 17 में से आप 5 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, और 12 आ गया, और ये क्या है 0, तो 12 बिल्कुल 0 से बड़ा है ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको जल्दी जल्दी परफॉर्म करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। देखिए हमने क्या किया, 15 बी का वैल्यू क्या था प्लस था, 2 हो गया, जी की वैल्यू क्या है माइनस 5 हो गया, ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन हो गया 4, और जी की वैल्यू क्या है माइनस 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 15 × 2 = 17, 17 − 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 4 − 4 = 0, 12 बिल्कुल 0 से बड़ा होता है ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, इस तरीके से इन चीजों को रख के जल्दी जल्दी सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, जब आपकी प्रैक्टिस इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए क्या होंगी, स्ट्रांग ठीक है। प्रैक्टिस मेन मेक्स परफेक्ट ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा तरीका होगा, उसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। अब देखिए कह रहे थे कौन सा एक समीकरण ठीक है। अब देखो इसका कुछ तरीका होता है जो मैं आपको बता सकता हूं या बताता हूं। कह रहा कि कौन सा समीकरण सही है, अब देखो इसको सॉल्व करना है, कौन सा समीकरण फॉलो करेगा। तो देखिए मैंने बताया कि अगर इनटू और डिवाइड बाय एक साथ आ रहा है तो उसको एक साथ परफॉर्म कर लीजिए। अब देखिए 6 × 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये 3 × 8 = 24 हो जाएगा। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो 30 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 + 1 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। पहला ही समीकरण बिल्कुल सही दिया गया है ठीक है। अब देखिए
पहला ही समीकरण बिल्कुल सही दिया गया है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना? चलो अगले प्रश्न पर आइए। कह रहा है कि किसको आपस में बदल दिया जाए कि समीकरण सही हो जाए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि प्लस को इंटू से बदल दिया जाए। अब देखो प्लस को अगर इंटू से बदलोगे, प्लस को अगर इंटू से बदलोगे तो बदल के चेक कर लो। ठीक है, अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 और 8 कितना हो जाएगा? 15 और 5 20 और 3 23। ठीक है, 23 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 3 12, ये आ जाएगा 20। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो ये सही नहीं है। फिर कह रहा है कि 5 और प्लस और डिवाइड बाई। अब देखो प्लस को जब डिवाइड बाई यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉइंट में आने लगेगी, जबकि ये वैल्यू पॉइंट में थोड़ी ना है। ठीक है, जब यहाँ पे डिवाइड बाई लगाओगे तो देखो यहाँ पर क्या है, इंटू में तो 8 है, और जब इसको 3 से भाग करो, कह रहा है ना कि प्लस को डिवाइड बाई। ठीक है, तो जब प्लस की जगह पे डिवाइड बाई रखोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आने लगेगी? पॉइंट में आने लगेगी, तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है कि प्लस को माइनस से। अब अगर प्लस को माइनस से करते हो, माइनस को प्लस से करते हो, तो इसको एक बार रख सकते हो, प्लस को माइनस रख दो। ठीक है, फिर इंटू 8, फिर माइनस को क्या लग दोगे? प्लस लग दोगे, फिर क्या कह रहा है? 12 हो जाएगा डिवाइड बाई। और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 और 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसको जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 16 और 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आना? 3, तो ये भी नहीं होगा। अब यही बचता है आपका माइनस और डिवाइड बाई। ठीक है, अब देखो माइनस और डिवाइड बाई को अगर आप रखोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 + 8 × 8। अब माइनस को किससे करना है? डिवाइड बाई से करना है, और डिवाइड बाई को किससे करना? माइनस से करना है। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना हो जाएगा? ये आपका कटेगा, 4 × 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 4 × 8 4 3 12, और ये 5 हो जाएगा, ये 8 × 16 हो जाएगा, ठीक, -4 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका आएगा 1 पॉइंट, यहाँ भी 5 पॉइंट में आ रहा है। माइनस को डिवाइड बाई से कर रहे हो अगर आप, तो माइनस को डिवाइड बाई करोगे और डिवाइड बाई को माइनस करोगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी आपकी पॉइंट में आने लग रही है, क्योंकि 8 / 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 था ना, सॉरी बच्चा यहाँ पे गलती हो गई, देखो ये हमने गलती लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन सही लिखना है तब, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत होगा। यहाँ पे आपका क्या था? 3 था। ठीक है, अब देखो इसको जब करोगे तो 4 से कटाओगे, 4 × 8 हो जाएगा, 4 3 12, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 5, तो 7 आ जाएगा, -4 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर कर आपको चेक करना है। बस आप एक चीज जल्दी से ऑप्शन को खत्म कर सकते हो, वो कौन सा ऑप्शन? कि अगर आपके किसी इक्वेशन को इंटरचेंज करने पर आपकी इक्वेशन पॉइंट में आ रहा हो, और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कंप्लीट वैल्यू है ना, तो आप उस ऑप्शन को तुरंत कैंसिल आउट कर सकते हैं, उस ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बी ऑप्शन को चेक कर रहे थे, तो इस माइनस की जगह पे डिवाइड, इस प्लस की जगह पे डिवाइड बाई रख रहे थे, तो 5 / 3 हो रहा था, और जब 5 में 3 का भाग देंगे तो आपका जो कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी। ठीक है, तो पॉइंट में हमको चेक करने की जरूरत नहीं थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यदि माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, इंटू का अर्थ है डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का अर्थ है इंटू, तो नीचे दिखे गए समीकरण में कौन सा सत्य है? तो चलिए फटाफट चेक कर लेते हैं। अब कह रहा है कि प्लस को किससे बदलना है? अब इंटू को डिवाइड बाई से बदलना। अब चेक करते हैं, इंटू को अगर डिवाइड बाई से बदलेगा, ठीक है, तो भाग बिल्कुल पूरी तरीके से चली जाएगी, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब देखिए 30 + 5, ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या है? माइनस क्या है? 5 है। फिर माइनस क्या है? माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब क्या है? प्लस है, क्या हो जाएगा? 4। फिर डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का मतलब क्या है? डिवाइड बाई का मतलब इंटू है, क्या है? 10 है। फिर 10 × का मतलब क्या है? इंटू का मतलब डिवाइड बाई है, क्या है? 5 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो फटाफट सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, ये 4 × 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और
30 और 8 38 हो जाएगा, और 38 माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो ये आपका नहीं सही है, तो इसको चेक कर लो। तो 30 अब देखो यहाँ पे लिख लेते तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। माइनस की जगह पे क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, फिर क्या कह रहा है, प्लस का मतलब है माइनस, इंटू का मतलब है डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का मतलब है इंटू, ठीक है, यही है ना। अब देखो 30 प्लस, तो प्लस का मतलब है माइनस, क्या 5, फिर इंटू, इंटू का मतलब है डिवाइड बाई का मतलब इंटू, क्या हो जाएगा 4, फिर माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, प्लस का मतलब क्या है 10, और फिर इंटू, इंटू का मतलब क्या है डिवाइड बाई कितना 5। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 32 माइनस 20, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 22 है, तो ये भी आपका सही नहीं है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखिए करते हैं, 30 माइनस का मतलब क्या है प्लस, 5 प्लस की वैल्यू क्या है, प्लस की वैल्यू है माइनस, क्या हो जाएगा 4, डिवाइड बाई का मतलब क्या है इंटू, इंटू का 10, और फिर इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है डिवाइड बाई क्या 5। सॉल्व कर लो फटाफट, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और इसको सब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा 35 माइनस 8, तो ये 5 और 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, क्या 28 है नहीं 62 है, 62 है ना। अब ये आपका लास्ट ऑप्शन आपका बचा हुआ है, अब लास्ट चेक कर लेते हैं, तो 30 इंटू का मतलब क्या है डिवाइड बाई 5, माइनस का मतलब क्या है प्लस 4, डिवाइड बाई का मतलब क्या है इंटू 4, ठीक है, सॉरी 30 इंटू का मतलब क्या था डिवाइड बाई 5, प्लस माइनस का मतलब क्या था, माइनस का मतलब क्या था प्लस 4 था, डिवाइड बाई का मतलब क्या था इंटू, इंटू 10 है, इंटू 10, और प्लस का मतलब क्या है माइनस 5, यही है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा माइनस 5, ये 46 माइनस 5, और ये कितना आ जाएगा 41, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के प्रश्नों का कोई ट्रिक नहीं है, बस ये है कि जितना जल्दी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं उतना जल्दी आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो आ गया होगा ना आंसर, तो देखिए हमने क्या किया कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही बॉडमॉस रूल ही अप्लाई करना है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन आप जब भी इस इक्वेशन को रिप्लेस करिएगा चिन्हों को तो उसमें थोड़ी सी सावधानी आप लोग बरतिएगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, सारे टाइप के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए यहाँ पर भी उसी टाइप का प्रश्न है कि यदि प्लस को क्या कहा जाए डिवाइड बाई, तो फटाफट इसको साइड में लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्लस को क्या कहा जाए डिवाइड बाई कह दिया जाए, इनटू को क्या कहा जाए इनटू को प्लस कहा जाए, माइनस को क्या कहा जाए माइनस को इनटू कहा जाए, ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है डिवाइड बाई को क्या कहा जाए डिवाइड बाई को माइनस कहा जाए, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित वैसे कौन सा सही समीकरण है। अब देखो पहला क्या कह रहा है 36 प्लस की जगह पे क्या है डिवाइड बाई है, माइनस की जगह पे क्या है बच्चा इनटू है, इनटू की जगह पे क्या है प्लस है, और डिवाइड बाई की जगह पे क्या है, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो जब आपका बॉडमॉस मेथड अप्लाई करने का तरीका स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर आप बहुत ही जल्दी चेक कर सकते हो, उसमें कोई गलती आपसे होने वाली नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब यहाँ पर अल्फाबेट का मतलब कह रहा है कि ए का मतलब है डिवाइड बाई का, बी का मतलब है माइनस का, सी का मतलब है डिवीजन, डी का मतलब है इनटू, ई का मतलब है लेस देन, और एफ का मतलब है ग्रेटर देन, और जी का मतलब है इक्वल। तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है। अब देखो ए का मतलब है डिवीजन, ठीक है, अब चलो रखते हैं तो 14, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या था बच्चा, ए का मतलब था डिवीजन, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है इनटू,
थ्री, बी का मतलब क्या है माइनस वन, और सॉरी इसको फिर से लिखिए फटाफट। चलिए देखिए फिर से लिखिए क्या है, 14, बी का मतलब हो गया माइनस 4, ए का मतलब हो गया डिवाइड बाय 5, डी का मतलब हो गया इनटू 3, बी का मतलब हो गया माइनस 10, और जी का मतलब हो गया इक्वल्स। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना बच्चा, तो देखो ये आपका 4 डिवाइड बाय 5 है, ठीक है, तो ये आपका क्या आने लगेगा, पॉइंट में आने लगेगा, आएगा ना, चार तिहाई 12, और 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो भाई पॉइंट में आएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, पॉइंट में तो नहीं है ना, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर अगला को चेक करते हैं, 12, ए की वैल्यू क्या है डिवाइड बाई 4, बी की वैल्यू क्या है माइनस 8, सी की वैल्यू क्या है डिवाइड, सी की दो डिवाइड बाई कहाँ से लिख दिया मैंने, ए का मतलब भी डिवाइड बाई है, सी का मतलब भी डिवाइड बाई है। देखो बच्चा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया आपका, ठीक है, टाइपिस्ट से ए का मतलब डिवाइड बाई, सी का मतलब डिवाइड बाई, दो का मतलब डिवाइड बाई नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा साइन छूट रहा है, तो एक का माइनस हो गया है, इनटू भी आ चुका है प्लस, अब यहाँ पर एक प्लस होना चाहिए, अब या तो ए की वैल्यू प्लस होगी या तो सी की वैल्यू प्लस होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अपने से दिमाग नहीं लगाना है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि माइनस का मतलब है प्लस, इनटू का मतलब है सॉरी माइनस का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ शब्दों में कह रहा है कि माइनस का मतलब है भाग, ठीक है, उसके बाद प्लस का मतलब है गुणा, लिख लेते हैं, प्लस का मतलब है गुणा, डिवाइड बाई का मतलब क्या है घटाना, और फिर कह रहा है कि इनटू का मतलब क्या है जोड़ना, यही है ना। तो कह रहा है कि कौन सा समीकरण सत्य है। अब देखो माइनस का मतलब है डिवाइड बाई, अब देखो अगर यहाँ पर आप डिवाइड बाई रखते हो, अगर आप यहाँ पर डिवाइड बाई रखते हो तो 5 डिवाइड बाई 412, यहाँ पर अगर रखोगे कि 5 डिवाइड बाई 412, ठीक है, और डिवाइड बाई का क्या मतलब था माइनस, तो ये वैल्यू कितनी आने लगेगी, पॉइंट में आने लगेगी, तो ये तो आपका सही होगा ही नहीं। चलिए इसमें आते हैं, अब यहाँ पर अगर माइनस की वैल्यू डिवाइड बाई रखोगे तो यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, तो चलिए चेक करते हैं, 10 माइनस की वैल्यू क्या है डिवाइड बाई 5, ठीक है, प्लस की वैल्यू क्या है इनटू 12, डिवाइड बाई की वैल्यू क्या है माइनस 8, और इनटू की वैल्यू क्या है प्लस 12, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 12 छंग 72 हो जाएगा, ठीक है, और 72 और 12 कितना हो जाएगा, 72 और 12 कितना हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, और 84 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, तो 84 माइनस 8 आपका हो जाएगा 76, और ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो कर लोगे ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन आप अपने कैलकुलेशन को बिल्कुल एक्यूरेट कैसे बना सकते हो, तो आपका तरीका और क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड और बॉर्ड मॉस अप्लाई करने की प्रैक्टिस, ये तीन चीज़ आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं और आप क्वेश्चन को देखते ही बता दो। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, अगर आप उससे भागते हो तो फिर आप अपने प्रश्नों को छोड़ दो, इसका इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए ताकि आपके कैलकुलेशन का तरीका आपको क्या हो, स्ट्रांग हो, और अगर आपका कैलकुलेशन होगा तो ये आपके इस सेक्शन के लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपके रीजनिंग सेक्शन में भी कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो चलिए अब इस इतने जितने टाइप के क्वेश्चंस मैंने करा दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन में उतने प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उससे बाहर का आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे किसी नए टॉपिक के साथ, सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।